हेलो दिस इज़ मी हेरे फ्रीवॉमी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स ए रीडिंग होगी यू वर्सेस देम एंड दिस कनेक्शन जो भी आपका कनेक्शन है विद योर स्पेसिफिक स्पेसिफिकसम वी के नट इन टू द एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन आप अपने पर्सन को लेके क्या सोचते हो वो आपको लेके क्या सोचते हैं हम उन सब में यू uh, नो you know, उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में रीडिंग um, शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है सबके साथ में कर भी सकती है और नहीं भी जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप मासेजर्स को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी रीच आउट करो रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मैंशनड हैं अगर आप रेडी टू पे हो तो रीच आउट कर लेना और उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स सो एज़ यू ऑल नो कि मैं एक ही डेक यूज़ करती हूँ दोनों इंसान जो भी इस कनेक्शन में है उन दोनों की एनर्जीज पे टैप इन करने के लिए सो या लेट्स गेट इन द रीडिंग लेट्स फाइंड आउट साथ में हम एक कार्ड्स भी लेंगे ऑन जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस लव लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड सो या लेट्स डिवाइड दिस डेक इंटू टू हाफ एक आपकी एनर्जी होगी एक आपके पर्सन की एनर्जी होगी अपनी साइड सारी द स्टोरी खुद से चूज कर लेना फर्स्ट टू कार्ड्स जो होंगे वो होगा फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन वेन आई से फ्यूचर आई डोंट मीन कि फार फेस्ट फ्यूचर हम फ्यूचर मीन्स के नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है इस कनेक्शन में वो जानेंगे इन पहले दो कार्ड से एंड देन लेट्स स्टार्ट द वीडिंग देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी चाहिए आप हो या आपके पर्सन की है लेट्स फाइंड आउट क्वीन ऑफ कप्स फाइव ऑफ सोड्स किंग ऑफ पेंटिकल्स एट ऑफ कप्स ठीक है इस पर्सन की एनर्जी देखते हैं द ऑफ फॉर्चून द स्टार टू ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ सोड्स अनुरीता टैग देखते हैं दोनों के लिए चनपा कप्स एर ऑफ सोड्स मुझे लगता है ये आपके पर्सन की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है जहाँ तक बात आती है आपके एंड से जो कनेक्शन में एनर्जीज जा रही हैं आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उस इंसान को ठीक है लेकिन आपका पर्सन जो है वो समहाव आपको वो सब नहीं देता जो आप चाहते हो तो कभी कभी आपका दिल करता है कि आप दूर हो जाओ छोड़ दो Uh, आपकी जो एडिक्शन है आपका जो प्यार है उसको लेकर अपने आप को हील करने की कोशिश करते हो आप उससे दूर जाने की कोशिश करते हो जबकि डीप डाउन आपको पता है कि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अगर आप दूर भी जाओगे तो कहीं ना कहीं आप इसके साथ कनेक्टेड रहोगे इन वन वे और इमोशनली आप अटैच हो अटैच रहोगे चाहे आप चूज़ करो उससे दूर जाना चाहे आप चूज करो कि आप उसके साथ रहो उसके पास रहो आपके लिए दोनों सूरतें में दोनों सूरतें जो हैं दोनों सिचुएशंस जो है मुश्किल हैं क्योंकि आपके दिल में जो उसका प्यार है वो कम नहीं होता चाहे आप पास रहो या दूर रहो कहीं कही ना कहीं आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है वो आपको काम की वजह से जो है वो टाइम नहीं दे पा रहा कहीं ना कहीं वो ख़ुद से इमोशनली स्टेबल नहीं है इसलिए वो आपके साथ कमेक्ट नहीं करता डीप डाउन आपकी एक ही ख्वाहिश है एक ही विश है कि वो आपको कमिटमेंट करे जो कि अभी हो नहीं रहा कहीं ना कहीं आपको फियर आने लगता है कहीं ना कहीं आपको होप रहती है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद कुछ ऐसा अच्छा हो जाएगा मैजिकली जो आप दोनों के कनेक्शन को आगे लेके चलेगा लेकिन कहीं ना कहीं आपका फियर जो है वो भी वापस आ जाता है आपके पर्सन की बात करें तो उसको आप में डेफिनेटली इंटरेस्ट है लेकिन जो आप चाहते हो वो उस तरह का कनेक्शन देने के लिए या उस तरह का रिलेशनशिप देने के लिए रेडी नहीं है देर आर सो मेनी थिंग्स जो उसको लगता है कि उसको इस इस कनेक्शन को लेके ब्लॉक कर देती हैं uh, उसकी सोच हो सकती है उसकी uh, उसकी यू you नो know, uh, हो सकता है कि उसको फियर हो उसकी फैमिली नहीं मानेगी हो सकता है उसको फियर हो कि वो अभी ख़ुद से प्रिपेयर नहीं है इस चीज़ों के लिए जब भी वो आपके बारे में सोचता है या आपके कनेक्शन के बारे में सोचता है उसके दिमाग में हज़ार किस्म के जो हैं वो ब्लॉक्स आते हैं जो कि काफ़ी हद तक इसके ख़ुद के दिमाग के बनाए हुए ब्लॉग्स हैं अगर तो ये अपनी सिचुएशन यू नो इम्प्रूव करना चाहे तो वो कर सकता है अगर आपको कमिटमेंट देना चाहे तो दे सकता है अगर आपके लिए स्टेप लेना चाहे तो ले सकता है ऐसा नहीं है कि इसकी फैमिली इसको मना कर देगी तो ओ हो, हो इसको रुकना पड़ेगा इसके इसके लिए कुछ भी जो चल रहा है इसके ख़ुद के बनाए हुए डिसीजंस हैं अभी इसको अगर लग रहा है कि मैं शादी या कमिटमेंट नहीं कर सकता या कर सकती तो वो इसके ख़ुद के बनाए हुए एक माइंड है या बिलीफ है अगर ये चाहे तो उसको बदल सकता है अगर ये चाहे जो कि ये नहीं चाह रहा कहीं ना कहीं इसके दिमाग में हज़ार उल्टे सीधे ख्वाब ख्वाब नहीं उल्टे सीधे सिचुएशंस जो है वो आ जाती हैं जहाँ पे इसको लगने लगता है कि शायद ये कभी यू you नो know, इस सिचुएशन में फ़िलहाल एटलीस्ट अभी तो नहीं है कभी होता है या नहीं होता पता नहीं लेकिन इसको लगता है कि कहीं ना कहीं इसके हाथ में चीज़ों का कंट्रोल नहीं है ये नहीं कर सकता वहीं पे आपकी अगर बात करें तो आपको लगने लग जाता है कि शायद इसके दिल में फीलिंग्स नहीं है और शायद आपको इसको आपका इससे दूर जाना आपके लिए बेहतर है क्योंकि ये इंसान ओपन अप नहीं होगा आपको लगने लग जाता है कि चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी या ख़त्म होना बेहतर है आपके पर्सन को भी सेम चीज़ें लगता है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका बिलीफ अंदर से जो है वो टूट नहीं रहा यू you नो know, एक स्ट्रेंथ है कि नई चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी चाहे सिचुएशन जो भी है कभी कभी दिल करेगा कि मूव ऑन करो कभी कभी रुके रुकने का दिल करेगा कभी कभी आप इससे इंसान को बेनिफिट ऑफ डाउट देना शुरू कर दो कि कभी कभी आप खुद भी फियरफुल हो जाओगे वैन इट कम्स टू योर पर्सन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक एक ही चीज़ है जो आप दोनों को कनेक्ट करती है वो आपका सेक्सुअल कनेक्शन हो सकता है या आप दोनों का एक दूसरे को लेकर जो पैशन है वो खत्म नहीं होता आप उस चीज़ को यूज़ करते हुए चीज़ों आ, चीज़ें जो है आपके कनेक्शन में जो है वो रोक सकते हो एक दूसरे को दूर जाने से या ख़त्म होने से आपका पर्सन काफ़ी हद तक अपनी अपने इमोशंस जो है वो होल्ड बैक करता है जहां पे आप लोगों की यू नो सेक्शुअल एनर्जीज की बात आती है वहां पे वो इंसान इक्वली गिव इन करता है कनेक्शन में जहां पे अदरवाइज वो नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसके एंड से हो सकता है कि बहुत ही यू uh, नो you know, एक फ़िज़िकल uh, कनेक्शन हो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जस्ट फिज़िकल ही है फिज़िकल ही होना होता तो वो किसी और के साथ भी हो सकता है वाई दिस पर्सन हेज टू स्टे विद यू ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं डीप डाउन ये अपने इमोशंस जो है वो छुपा रहा है लेकिन ऊपर ऊपर से इसको सिर्फ एक ही चीज़ यू you नो know, आपको शो करेगा कि इसको फ़िज़िकली जो है वो आप में इंटरेस्ट है आपकी सिचुएशन में देखें तो आप तो इसको अपना हस्बैंड वाइफ जो है वो सब कुछ मानते हो लेकिन चीज़ें वैसी नहीं है रियलिटी वैसी नहीं है आप कहीं कही ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो इसकी जो भी आपकी चीज़ें इसके साथ होती हैं आप उसको हर दफ़ा जो है यू नो आप उसको जस्टिफाई uh, करने की कोशिश करते हो इस इंसान के एक्शंस को वो कमिट क्यों नहीं कर रहा शायद उसका काम है शायद ये है शायद वो है एक्चुअलिटी कोई काम कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती ये इस तरह की पोजीशन में है अपने घर में फैमिली में जहाँ ये डिसीजन लेना चाहे तो ये ले सकता है ख़ुद से नहीं ले पा रहा क्योंकि वो खुद प्रिपेयर नहीं है उसके बहुत ज़्यादा फ़ियर्स हैं अराउंड दिस कनेक्शन या हो सकता है कि ओवरऑल लाइफ लव लाइफ को लेकर ही अभी इसके दिमाग में काफ़ी सारे ब्लॉक्स हों या फियर्स हों तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग जो है ये हाइड कर रहा है कहीं ना कहीं ये ख़ुद इनडिसव बन रहा है आपका पर्सन लेकिन आपकी जहाँ पे बात की जाए आपको क्योंकि कुछ दिखता नहीं है तो आप अपनी होप जो है वो खो देते हो तो ये चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन में मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन के ऊपर कोई भी ऐसी सिचुएशन है या यू uh, नो you know, ऐसी कोई चीज़ है जो कि फैमिली प्रेशर टाइप की या फिर uh, अभी कर नहीं सकता या कर सकती जो भी है इसका ख़ुद का बनाया हुआ चाहे तो अभी भी कर सकता है चाहे तो अभी नहीं तो कभी भी नहीं कर सकता देखते हैं फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का इस कनेक्शन में रहते हुए आपको चाहिए कि आपकी लव लाइफ़ में चीज़ें आगे बढ़ें आपके एंड से एक पूरी होप है उम्मीद है कि हम दोनों साथ होंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी जैसे ही आप दोनों मिलते हो जैसे ही आप दोनों की कम्युनिकेशन वापस नॉर्मल होती है चांसेस हैं कि आप लोगों का कनेक्शन स्मूथली आगे जाए आपका पर्सन भी यही डिज़ायर करता है लेकिन विदाउट एडिड प्रेशर के होल्ड ऑन <coughs> क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में अगर आप एक्सपेक्टेशन हाई कर लोगे इस इंसान से तो इसके लिए वो एडिड प्रेशर जैसा हो जाएगा नॉट दैट कि हो जाएगा इसके दिमाग में हो जाएगा सो इसलिए उसको इश्यूज़ रहेंगे मुझे लगता है कि स्मूथली अगर आप दोनों इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहो विदाउट एक्सपेक्टिंग मोर तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी देखते हैं और गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए द आंसर्स यू नीड आर कमिंग आपको जो भी इस पूरी सिचुएशन में जो भी आपको आंसर्स चाहिए आपको लगता है कि पता नहीं क्यों ये ऐसा करता है क्या है क्या रीज़न है क्या नहीं आपको उन सब चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे इस कनेक्शन में रहते हुए और वेन वेन आउटकम इज़ फोरकास्ट जो भी होगा इस पूरी सिचुएशन का उसका आउटकम अच्छा ही होगा मेजॉरिटी लोगों के लिए आप जो चाहते हो आपको वो मिल जाएगा लेकिन अगैन ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो इस इंसान से फॉर नाव एटलीस्ट या जैसे होता है ना कि आप हाई एक्सपेक्टेशन रखते हो तो कुछ ये कम करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कुछ अगर आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो और अगर ये इंसान कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा करेगा तो आपको एटलीस्ट उसके बारे में अच्छा फील होगा और ट्राई uh, करो कि लेट थिंग्स बी दो वे दे आर ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं करो इस इंसान को स्टोरिकल गायरेंस क्या कहता है डिवाइन ऑर्डर एवरी इज हाव इट नीड्स टू बी राइट नाव लुक पास दूश डिंग ऑर्डर जो भी आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ इस कनेक्शन में जो भी कुछ हो रहा है सारा वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए सो लेट थिंग्स बी ट्राई टू एब्जॉर्ब द थिंग्स द वे दे आर राइट नाउ और जैसे ही आप वो सब करोगे ट्रस्ट में आपकी जो एंजाइटी है स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम होंगे और चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में बेहतर होने लग जाएंगी आपका पर्सन प्रेशर नहीं फील करना चाहता आप उसको जितना फील कराओगे उतना वो आपसे भागेगा तो कोशिश करो कि खुद भी प्रेशर नहीं लो और इस इंसान को भी प्रेशर नहीं ऐड करवाओ और चीज़ों को जितना लाइटली होके ले चल, हो के चल सको उतना लाइटली लेकर चलो आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा ओरिकल गाइडेंस ले लेते हैं लवर्स ओरिकल कार्ड से भी देखते हैं वो क्या ऐड करता है आप दोनों के लिए उसके अलावा फिर एक दो और कार्ड्स पुल आउट कर लेंगे एक दो लेट्स सी Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Just go with the flow. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. आपको समझ नहीं आता अक्सर कि यू नो चीज़ें क्यों हो रही हैं लाइफ में स्पेशली जो लोग ठहर के अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते डिवाइन ऑर्डर अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते उनको नहीं समझ आएगा कि ये क्यों हुआ अगर ऐसा ही होना था कि अगर शादी होनी थी तो ये क्यों हुआ कहीं ना कहीं आपके बीच में जो भी डिलेज़ आते हैं आप दोनों के बीच में जो भी डिफ्रेंसिज़ आते हैं उसका कोई ना कोई पर्पज़ है हो सकता है कि को कोई ऐसी फाइट अब दोनों की कनेक्शन में एक नया मोड बनकर सामने आए सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्राई टू गो विद द फ्लो ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है और चीज़ें इवेंचुअली अच्छी होती दिख रही हैं आप दोनों के कनेक्शन में देखते हैं ऑयकल गाइडेंस और क्या है सेकंड, ओके चलो आई थिंक दैट्स गुड एंड देखते हैं व्हाट आर द मैसेजेस बिलीव इन योर प्रेयर्स अपनी दुआओं पर यकीन रखो राइट डाउन योर राइट डाउन योर गोल्स आपके जो भी गोल्स हैं इस इंसान से रिलेटेड उनको लिख लो कहीं पर मैनीफेस्ट योर लाइफ पार्टनर अपना लाइफ पार्टनर मैनीफेस्ट करने की कोशिश करो जो भी आप चाहते हो उस इंसान से मेक श्योर sure कि जब आप इसको विजुअलाइज करो तो हमेशा ऐसे करो जैसे आप अपने हस्बैंया अपनी वाइफ को मैनीफेस्ट कर रहे हो टॉक टू द नेचर स्पेंड थोड़ा टाइम इन नेचर वो भी आपका हेल्प करेगा इट्स टाइम टू रिसीव योर व्यवॉर्ड मुझे लगता है मेजोरिटी लोगों के लिए आपकी आपका टाइम है अब जब आप अपनी ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे बिलीव इन योर सेल्फ अगेन, बिलीव इन योर पेयर्स एंड बिलीव इन योर सेल्फ योर लाइफ पार्टनर इज नाउ रेडी एंड कमिंग मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन रेडी हो जाएगा और कमिटमेंट भी देगा इन नियर फ्यूचर रिलीज द पेन आपको जो भी चीज़ें इस पूरे कनेक्शन में हर्ट कर रही हैं राइट नाउ, और ट्राई करो कि उसको इग्नोर करो और जस्ट गो विद द फ्लो इट्स टाइम टू मैनीफेस्ट मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो जो भी आपके पर्सन के साथ आपके दरमियान यू नो आपके और आपके पर्सन के दरमियान में हो रहा है और जो चीज़ें आप चेंज करना चाहते हो उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो सो so ये थी आपकी रीडिंग अगर आपको हेल्प किया हो गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो चले दूध नेक्स्ट रीडिंग फ्री गायस टेक केयर बाय